हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर या हमारे पास एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर या यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर दोनों एक ही चीज के नाम हैं। हमारे पास यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर की ऐसी टाइप होती है जो कि स्पेसिफिकली डिफाइन किए जाते हैं क्लास के अंदर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो हमने यहां पर लिखा स्पेसिफिकली डिफाइंड कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजेशन, यानी ये ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसको अपने प्रोग्राम के अंदर क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं इसी पर्पस के लिए कि जब कभी भी हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएं तो वो ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही इस कंस्ट्रक्टर की मदद से इनिशियलाइज कर ले अपने आप को। इस बात को अपने कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक क्लास बना लेते हैं कार्स के नाम से और इस कार्स की क्लास के अंदर हम लोग इसका एक डाटा मेंबर यानी कि एक वेरिएबल बना लेते हैं मैक्स स्पीड, यानी कि इस कार की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। अब यहां पर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि होगा स्पेसिफिकली डिफाइन किस मकसद के लिए, इस कार्स के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए। यानी जो भी मैं कार्स का ऑब्जेक्ट बनाऊं उसके अंदर हमने मैक्सिमम स्पीड, ये जो एक वेरिएबल बनाया है, इसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करवाना है। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कार्स का, उसका नाम रखते हैं क्योंकि जिस तरह के आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है। यहां पर हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं और एक इसका पैरामीटर लिख लेते हैं इंट एक्स। ये जो पैरामीटर है इसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हुए पास करेंगे इस मैक्सिमम स्पीड के लिए। और जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि मैक्सिमम स्पीड की जो वैल्यू होगा वो इक्वल कर देगा पास करदा वैल्यू के। अब अगर हम लोग यहां पर मेन क्लास के अंदर आके अपनी क्लास कार्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, फॉर एग्जांपल C1, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी कार की मैक्सिमम स्पीड भेज देते हैं फॉर एग्जाम्पल 250। अब होगा क्या होगा, ये कि ये जो हमने आर्गुमेंट भेजा है अपने इस ऑब्जेक्ट को कॉल करवाते वक्त, ये आर्गुमेंट जाके सेव हो जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर x के अंदर, यानी x इज इक्वल टू 250 हो गया। और फिर ये जो मैक्सिमम स्पीड का डाटा मेंबर था जिसको हमने इनिशियलाइज करवाना था, ये हमने इक्वल करवा दिया x के। और जिस तरह के आपको याद है कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ये हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि हमने स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए। अब यहां पर अगर एग्जीक्यूट में जाके इस चीज को कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कोड रन हो जाएगा और कोई भी हमारे पास एरर नहीं आया। यहां पर हम लोग मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू को प्रिंट करवा के उसकी वैल्यू को भी टेस्ट कर सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम रखते हैं प्रिंट। और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू है उसको जो है हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं और यहां मेन फंक्शन के अंदर हम लोग C1 डॉट ये प्रिंट का फंक्शन कॉल करवा लेते हैं ताकि हम लोग अपनी वैल्यू को चेक कर सकें कि जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है इस यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर की मदद से वो सही इनिशियलाइज हुई है या नहीं। एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में एग्जैक्टली वही वैल्यू जो हमने यहां से भेजी थी वो प्रिंट होकर आ गई है। तो दरअसल हमारे पास यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनमें हम लोग जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए। कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं, इनको आर्गुमेंट्स भेज के। ये आर्गुमेंट्स अपने पैरामीटर के अंदर सेव करते हैं और फिर उन्हीं पैरामीटर की मदद से, जिस तरह यहां पर एक पैरामीटर x था, इसके अंदर इस आर्गुमेंट 250 को सेव किया गया और फिर इस पैरामीटर x को हमने इस्तेमाल किया और अपना जो डाटा मेंबर मैक्सिमम स्पीड का था उसको इनिशियलाइज करवा लिया। यहां पर एक बात नोट की जाए कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है डिफॉल्ट और इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर के। जिस तरह आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिनमें हम लोग कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करते और वो इस्तेमाल नहीं होते इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि जो भी डाटा मेंबर होता है अगर उस क्लास में हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर तो इंट ये जो हमने एक मैक्सिमम स्पीड बनाया है इसको यहां पर हम लोग इनिशियली इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो यहां पर अगर हमने इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर यूज किया होता तो हमारे पास इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज ना कर सकते, क्योंकि यहां पर हम लोग इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्गुमेंट ही नहीं पास करते। लेकिन यहां पर अगर हम लोग इसको जीरो भी ठहरा दें और यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करेंगे तो आप फिर भी देखेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, यानी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यूजर
जो भी वैल्यू देगा उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड या एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, जो कि यूज होते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।